नमस्कार, आप सबका अवकाश के बाद पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय परिसंवाद के चौथे और आखिरी सत्र का विषय है थिएटर एंड स्पेक्टेटरशिप इन टुडेज टाइम, वर्तमान में नाटक और उसका प्रेक्षक। इस सत्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी। सत्र में विचार प्रस्तुत करेंगे श्री प्रसन्ना जी, डॉक्टर मोहन आगाशे जी और श्री गिरिजा शंकर जी। आप सभी से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। एवं विख्यात राजस्थानी नाटककार और निर्देशक हैं। आप मशहूर कवि, आलोचक और अनुवादक भी हैं। आपके द्वारा लिखित नाटक, कविताएं और अन्य साहित्य प्रकाशित हैं और आप स्वलिखित 30 से अधिक नाटक निर्देशित कर चुके हैं जिनका देश भर में मंचन हुआ है। साहित्य जगत में आपके योगदान के लिए आपको 1980 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1997 में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री प्रसन्ना जी एक विख्यात भारतीय रंगमंच निर्देशक और नाटककार हैं। आप कन्नड़ा थिएटर के एक अग्रदूत हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं। आप कर्नाटक की नाट्य संस्था समुदाय के संस्थापक हैं। 7वें दशक में आपने कन्नड़ रंगमंच को एक रचनात्मक दिशा दी। आप एक उपन्यासकार और कवि भी हैं। आपने निनासम, रंगमंडल भोपाल, रंगाय और भारत के कई रंगमंच संगठनों के साथ काम किया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं और कई नाटक भी निर्देशित किए हैं। आपने आपके निर्देशनों में से तुगलक, गांधी, मदर कैरेज एंड हर चिल्ड्रन, लाइफ ऑफ गैलीलियो, आचार्य तारतूफ, फुजियामा, एक लोक कथा आदि महत्वपूर्ण हैं। रंगमंच के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का श्री बवा कारण सम्मान एवं निर्देशन कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री प्रसन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोर महाराष्ट्र में जन्मे डॉक्टर मोहन आगाशे जी ने बीबीजे मेडिकल कॉलेज पुणे से साइकाट्री में डिग्री प्राप्त करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल पुणे में काम किया। आप महाराष्ट्र सरकार में मेंटल हेल्थ एजुकेशन के एडवाइज़र रहे हैं। आपने अपनी रंग यात्रा सई परांजपे के बाल रंगमंच से की। जब्बार पटेल जी के नाटक घाशीराम कोतवाल में नाना की भूमिका के लिए आपको विशेष रूप से याद किया जाता है। सन 1997 से 2002 तक आपने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के निदेशक का पदभार भी संभाला है। रंगमंच के अतिरिक्त फिल्मों में भी आपका योगदान महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा अभिनीत फिल्मों में निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश, पार, हुतुतु, गजगामिनी, वेलकम जिंदगी इत्यादि महत्वपूर्ण रही हैं। सन 1990 में आपको भारत सरकार के पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और सन 1996 में आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मोहन आगाशे जी, आपका मनपूर्वक स्वागत है। श्री गिरिजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप विशेषतः राजनीति और चुनाव में रुचि रखते हैं। आपने समाज और संस्कृति का नज़दीक से अभ्यास किया है। शुरुआती दौर में आपने कई साल रंगमंच अभिनय किया और पिछले कुछ सालों से रंगमंच आलोचना करते हैं और साप्ताहिक कॉलम लिखते हैं। आप नौजवानों के साथ जुड़े रहकर जगह जगह मंचित नाटक देखते हैं और उन पर चर्चा विमर्श करते हैं। आपकी ये कोशिश है कि रंगमंच अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और जो युवा नाटककार और कलाकार हैं उनकी तरक्की हो। संस्कृति, समाज और राजनीति के अंतर संबंध आपके अध्ययन एवं लेखन का विषय रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आयोजित थिएटर ओलंपिक्स और भारत रंग महोत्सव के आप जूरी सदस्य भी रह चुके हैं। श्री गिरिजा शंकर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी से विनम्र अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और सत्र के अध्यक्ष एवं विशेषज्ञों को रचना संचय भेंट देकर उनका स्वागत करें। Thank you.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी से विनती है, कृपया सत्र के सूत्र संभालें। सर, मंच आपका है। मंच पर विराजमान इस देश के प्रख्यात रंग व्यक्तित्व आदरणीय प्रसन्ना जी, आदरणीय मोहन अगाशे जी और आदरणीय गिरिजा शंकर जी और इस सभागार में उपस्थित देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए हमारे आमंत्रण पर इस सेमिनार में अपनी भागीदारी निभाने के लिए जो आए हैं ऐसे वरिष्ठ जन, हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक आदरणीय सुरेश जी, हमारे मित्र आदरणीय अजीत राय जी, एनएसडी के रजिस्ट्रार आदरणीय मोहंती जी और नाट्य से जुड़े हुए सभी विद्यार्थीगण, ये एक अनायास संयोग बन गया इस सत्र का कि हमारे साथ जो तीन रंग व्यक्तित्व आज यहाँ उपस्थित है उनका और प्रेक्षक का जो संबंध है वो अलग अलग एंगल का संबंध है। एक अभिनेता के रूप में मोहन अगाशे जी जब कार्य करते हैं और अपनी प्रस्तुति के बाद प्रेक्षक के साथ उनका जो संवाद होता है या जो संबंध बनता है उसका एक कोण अलग है। आदरणीय प्रसन्ना जी जब अपने नाट्य प्रस्तुत करते हैं निर्देशक के रूप में या एक रंग शिक्षक के रूप में, क्योंकि भारतीय अभिनय को लेकर आपकी एक बहुत सुंदर पुस्तक पिछले कई सालों से देश के रंग जगत में प्रतिष्ठित हो चुकी है, तो उनका प्रेक्षक के साथ का जो रिश्ता है वो एक अलग कोण है और वरिष्ठ रंग आलोचक संस्कृति कर्मी आदरणीय गिरिजा शंकर जी जो एक प्रेक्षक होकर देखते हैं और तब उस प्रस्तुति की समीक्षा या आलोचना करते हैं, तो उनका नज़रिया एक बिल्कुल अलग कोण प्रस्तुत करता है। तो हमें ये लाभ है कि जो तीन लोग हमारे साथ उपस्थित हैं वो हमें तीन अलग अलग एंगल से उस रिश्ते को शायद परिभाषित करें या समझाने की कोशिश करें। मैं उनके और आपके बीच ज़्यादा समय नहीं रहूँगा। मैं सबसे पहले बहुत आदर के साथ आदरणीय प्रसन्ना जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय प्रसन्ना जी, दोस्तों, इस सत्र में प्रेक्षक और नाटक का संबंध का चर्चा होने वाला है और मैं
मेरा संबंध थोड़ा अलग ढंग का है, हो गया है। और वो अलग ढंग निभाने से मैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं थिएटर से ही हट गया हूँ। पर ऐसा नहीं है, थिएटर में हूँ और थिएटर ही मुझे वो अलग जगह पे ले गया है। दो दिन से मैं सेमिनार में बैठा हूँ और सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे विचार को सुन रहा हूँ। और ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी, इसका विचार में भी थोड़ा अलग रास्ता रखना चाहता हूँ आपके सामने। पहली बात यह है कि ये जो जिम्मेदारी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ रंगकर्म में नहीं है, सब जगह है। हमारे प्रधानमंत्री को है, एक ब्राह्मण को है, दलित को है, राज को है, रंग को है, सबको ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी क्या है, कैसा देखा जाए ये जिम्मेदारी को, वो मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। थिएटर थोड़ा अलग है, तो पहले ये सामाजिक मुद्दा लेके उसके बाद में मैं थिएटर पे आना चाहता हूँ। ये जो जिम्मेदारी इसीलिए है कि हम बंदर हैं। और अभी कुछ समय पहले हमने मनुष्य बनाने का प्रयत्न किया है, पूरा बना नहीं है हम। और ये बंदर और मनुष्य, इसके बाद में एक और अवस्था है, वो है राक्षस, ए मॉन्स्टर। ये जो बंदर है, ये मनुष्य कैसे बना? ये बंदर के हाथ में कुछ आ गया, वो हाथ में उस चीजों को पकड़ने के वजह से ये कुछ और बन गया। जो चीज हम या बंदर अपने हाथ में पकड़ते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक अस्त्र भी है, ऑलवेज। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो चीज हम हाथ में पकड़ते हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग समथिंग गुड। इट कैन ऑल्सो बिकम अ वेपन फॉर फर्दरिंग समथिंग बैड, सेम थिंग। खाना भी हो सकता है, खाना भी आप किसी का खाना छीन कर आप खाएंगे तो बुरा हो जाता है, आपके खाने में से एक हिस्सा आप किसी को देते हैं तो अच्छा हो जाता है। सो ये बंदर कुछ भी हाथ में लिया है उस वजह से ये, इसको ये जिम्मेदारी आ गया है कि ये ह्यूमन बन जाए। सो ये जिम्मेदारी बोझ नहीं है। हम सोचते हैं कि ये क्यों बोझ ले ले, ये जिम्मेदारी क्यों, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाई शुड आई बी रिस्पॉन्सिबल, आई एम अ थिएटर पर्सन, यू नो, मैं
मेरा एक्सप्रेशन को दिखा रहा हूँ, इसमें जिम्मेदारी का क्या मामला है? मुझे कुछ कहना है मैं कहता हूँ, आपको सुनना है तो सुन लीजिए, नहीं सुनना है तो भाड़ में जाइए। पर बात ऐसा नहीं है, बात इसीलिए ऐसा नहीं है क्योंकि थिएटर का जिम्मेदारी यह है कि एक बंदर को मनुष्य बनाए और राक्षस ना बना के रखे। ये जो मैं बात कर रहा हूं राक्षस और बंदर और बीच वाला मनुष्य के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसी दिस इंस्ट्रूमेंट दैट वी होल्ड, हम सोचते हैं हमने उसको पकड़ा है, पर वो इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक है वो पकड़ लेता है आपको। सिर्फ पकड़ता नहीं है, पकड़कर भागता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है या वेपन है या जो भी अस्त्र है, ये हमें पकड़कर भागता है और हम सोचते हैं कि वो हमें पकड़ा है और हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब भागते क्यों है? भागते इसीलिए है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट के वजह से जल्दबाजी में हम काम निपटा सकते हैं। यू नो, यू कैन प्रोड्यूस थिंग्स, यू कैन मेक थिंग्स, यू कैन वॉन थिंग्स, यू कैन डू 100 अदर थिंग्स। सो वो भागना इसका एक नेचुरल स्थिति है। नाउ व्हेन यू आर इन सच अ फास्ट टेम्पो मूड, यू कांट बिकम अ मैन और अ ह्यूमन। एंड टू बिकम अ ह्यूमन नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, स्लो ट्रेनिंग, परसिस्टेंट ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के वजह से धर्म उभरा और इस ट्रेनिंग के वजह से थिएटर उभरा और दोनों साथ में थे। ये बहुत जरूरी है आज इसका बात करने का, क्योंकि हम ड्रामा स्कूल में खड़े हैं जो इन दोनों को सेपरेट कर दिया है और धर्म को अलग कर दिया है, नाटक को अलग कर दिया है, बहुत सारे चीज़ों को हमने अलग कर दिया है। मैं सिर्फ नाटक का उदाहरण ले रहा हूँ। और ये अलग करने के वजह से हम इतना चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे क्या किया जाए एंड ऑल दैट। बट एक मिनट आप इसको साथ रख कर, जैसे यक्षगान वाले साथ रख के करते हैं, जैसे तमाशा वाले साथ रख के करते हैं, ऐसे साथ रख करे तो सब चीज़ बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। हम क्यों ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को? भैया तुम इसीलिए ट्रेन कर रहे हो ताकि वो छोटा बंदर रहे, बड़ा राक्षस ना बन जाए। यू नो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द एसेंशियल मीनिंग ऑफ थिएटर इज टू कीप अ ह्यूमन बीइंग अ स्मॉल वेल ट्रेन्ड मंकी। यू कैन ओनली रिमेन स्मॉल इफ यू आर वेल ट्रेन्ड, यू कांट रिमेन स्मॉल इफ यू आर अ मंकी। अ मंकी हैज अ टेंडेंसी टू बिकम अ मॉन्स्टर, लाइक द किंग कॉन्ग और द गॉडज़िला। यू नो, यू हैव सीन ऑल दोज फिल्म्स। वो सब फिल्मों में वो जो गॉडज़िला बन जाता है, वो जो किंग कॉन्ग बन जाता है, वो बंदर ही है, वो बोतल में रखा हुआ बंदर है। एंड देन इट, यू नो, यू लेट इट आउट एंड इट बिकम्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशली द प्रॉब्लम ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन तक तो ठीक था, थोड़ा कभी कभी कंट्रोल बिगड़ जाता था, मगर कभी कभी कंट्रोल में भी आते थे हम।
मगर एक बार ऑटोमेशन आ गया, एक बार मशीन आ गया, एक बार मोबाइल आ गया हाथ में, एक बार ये यू नो ऑल दिस फैंसी लाइट्स केम, वी ऑल वेंट मैड बिकॉज वी जस्ट डोंट नो हाउ टू स्टॉप. We just don't know how to handle the mobile. We don't know how to handle the lights. We don't know how to handle the space. We don't know how to handle the audience. This relationship between the two is split, and as a result, we don't know how to handle the audience. The actors don't know whether they are the priests, I'm using a bad word deliberately, or a philosopher, or just a selfish monkey. I don't want to sound critical, but let me tell you, most of the time in drama school, we are teaching our students to become a very, very good monkey. Not a good monkey in terms of size, but in terms of monkey business. We are not training them to become human beings. So what I'm trying to advocate here is, and why I'm feeling so isolated every time I come to drama school, and I used to get very angry with it, is that I am very lonely here. When I say, please do simple theater, when I say that in theater there are only three components, and these three components are prekshak, नाटक और नाटक, लोग मेरे से गुस्से हो जाते हैं. पर मेरा कहना यह है कि ये तीन कंपोनेंट को हम रखते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि मुझे क्या करना है. मुझे मालूम हो जाता है कि मैं एक ट्रेनर हूं, एंड आई हैव टू डू द सेम थिंग एज द धर्म इज डूइंग, विच इज टू make me and you realize that we should essentially be small, or at least in our own minds. It's not in the body. The problem is in the mind. In the mind, to realize that you have to be not small in pettiness, but small in terms of understanding what you are. I think the whole system, especially the system of television and cinema, which produces stars, is just the opposite of this. ये जो problem है, ये जो monster and monkey वाला problem, ये problem सिर्फ theatre में लागू नहीं है, सब जगह है. धर्म भी monstrous हो सकता है, हो गया है, और इसीलिए मैं ये जो is the only thing which distinguishes me from the natural monkey. So labor is crucial to me. That's why I want to be with the leftists, but I am also angry with the leftists, because leftists can also become a monster. China, for example, you know, such an amazing country, हमारे साथ साथ उनको भी स्वतंत्र मिला है. हमको 47 में मिला, चाइना को 48 में मिला. हम 47 से हमारा टाइम बर्बाद कर दिया.
China is as monstrous as our Indian democracy is. So the problem really is not of this or that. As theatre persons, we have to realize that we have a bounden duty, we have a responsibility. Hamara jimmedari ye hai ki logon ko bataye ki bhaiya limit mein raho. I want to end this talk with Ramayana, because again, Ramayana is the most contested of all the epics, especially in India. Now, why is Ramayana contested? Because two opposing tendencies have used Ramayana in an opposing way. गांधी जी ने रामायण को राम राज्य मानकर Ramraj makes the political head to be responsible to the people, to be responsible to the labor, to be responsible to the people who are toiling in the land. And then we also have the Ramayana, which was used in the opposite way. That is, to be a bulwark against the outside religion, which is supposed to be a threat to my religion. And how did we manage this? Have you ever thought about it? We have managed it by changing the image of Rama, by changing the image of Hanuman. The two metaphors for civilization, Ram ko to chhodiye, Hanuman, he is the ultimate civilized human being, according to Valmiki. Matlab, he is so civilized and so polite and so small. You see, it's so interesting. Hanuman is so interesting that Hanuman can become a monster. And he becomes a monster a couple of times in his life, when he has to handle the bad monster. He's a good monster, he handles the bad monster and quickly withdraws back into his smallness. Quickly withdraws himself into politeness. Quickly withdraws himself into civility. Quickly withdraws himself into compassion. And Hanuman is somebody who will never push himself forward. Peeche baitha rehta hai. आगे नहीं बढ़ता है. सबको मालूम है इस आदमी को काम करना आता है. सो व्हेन अदर्स गो एंड ब्रिंग हिम आउट, ही कम्स आउट वेरी पोलाइटली, वेरी हेजिटेंटली, परफॉर्म्स हिज ग्रेट रोल एंड देन अगेन विथड्रॉस. नाउ व्हाट हैव वी डन विथ सच एन अमेजिंग कैरेक्टर? वी मेड हिम इनटू अ डिस्टॉर्टेड इमेज with rage and half image. आपने देखा होगा, you know, आपने ऑटो रिक्शा के पीछे देखा होगा, कारों के पीछे देखा होगा, टॉयलेट के डोर पे देखा होगा, रेस्टोरेंट के, आई मीन सब जगह आपने देखा है हनुमा को. नाउ दिस इज अ सीरियस डिस्टॉर्शन. इफ आई बिलीव इन दैट हनुमा, आई कांट बिलीव इन दिस हनुमा. इट्स द सेम विथ राम. I'm saying all this not because of politics. I've been doing Ramayana for the last 32 years.
and very, very seriously. I've done twice production of Uttar Ramcharit, and I have also done Ramayana into Kannada, and I'm very serious about it. I'm very serious about this metaphor. I'm more serious about it than, I mean, as serious as Gandhiji was about Ramayana. Ram also, we turned him away from the people. We want to build a temple for him, for a man. He was a man. I have not seen a Mandir of Rama, at least an old Mandir of Rama. You know, in the last 100 years, 150 years, some Mandirs have come. There are no Mandirs for Rama. I think it's a beautiful metaphor. You know, you pray to Rama by simply opening the text and reading the text. And this text is so beautiful, it is so beautiful, that it tells about the man and about his limitations. All the limitations of Rama, about which a lot of our modern people are angry, is actually written by Valmiki. Valmiki is saying that, look, he was the first to go one man, one woman, and you know, the king as lover, and then he fails. His failure is a lesson to us to not fail, to not become patriarchal, to not become horrible, to not become anti-Dalit. So we read a text like that. I am proud of being an Indian because we have produced a text which is a critical text, which is a great work of art, which is not a religious text in the sense that you know, other texts are. I am saying all this because we are theatre people, because we are people who work with metaphors. You know, this is the greatest metaphor. And the metaphor is so beautiful. You know, Ramayana starts like a small seed. The seed is the two birds. And somebody separates the two birds. That somebody who separates it, who is a hunter, a bad hunter, and he's cursed by a good hunter. Look at this. He's not cursed by a Brahmin, he's cursed by a bad hunter, good hunter. And then Ramayana begins, the female bird becomes Sita, the male bird becomes Rama, the bad hunter becomes Ravana, and then it grows into a massive, massive tree with so many beautiful stories and so many things. Every one of it is trying to tell you what is dharma. Every one of it. And I feel the National School of Drama should be doing that. I don't mean only doing Ramayana. I don't mean only doing religious texts. I want all of you to be very, very modern as I am. But not forget that our basic responsibility is to teach people that we are small. Actually, theatre people have that tendency. I mean, finally, let me give some compliments to theatre people. You know, when you compare a theatre person with a musician, then you realize how simple we are. You know, hum kahi bhi reh sakte hain. Hum ye nahi kehte hain ki, sir, mujhe to, they will never say, sir. मेरे मुझे लिए तो मुझे पद्मश्री मिला है, आप क्या मुझे ऐसा सीट दिया है, 2 इंच ऊपर होना चाहिए, एंड ऑल दैट. वी नेवर डू दैट. बट एंड सो वी हैव दैट. थिएटर टीचेस अस ऑल दैट, द सिंप्लिसिटी एंड द यू नो हार्ड वर्क. झाड़ू लगाना स्टेज का सब हमें सिखाया जाता है. बट समहाउ व्हेन वी गो ऑन स्टेज वी जस्ट टीच द ऑपोजिट. We just teach the opposite of that. We just teach, and especially in the drama school, we have been teaching students to rebel, to rebel, to rebel, to break.
Yesterday I saw a beautiful production done by the students, but you used so many images. You broke so many things. You burned so many things. It did not need all that. You know, you are young people, you have so much of energy, you can climb onto the building, you can do something. So do actually that. You don't have to create too many images. You have to hold on to the essential metaphor and build. Actors always do that. And acting is something so beautiful where you are just told one thing. And that one thing is, भैया तुम नहीं रहो और जाओ स्टेज पे कुछ भी करना है कर लो. जब तक मैं स्टेज पे जाके मैं ना रहूँ. If I am a woman, I am not a woman. If I am a man, I am not a man. If I am a monster, I am not that. Then it works. So this is my social responsibility. Lastly, before I conclude, I was very greatly inspired by what was said in the first session. And I want to repeat that and say that let us make this school into a school which is as important as the greatest dharma. Thank you very much. धन्यवाद. प्रसन्ना जी, अद्भुत उद्बोधन आपने हम सब के लिए प्रस्तुत किया. अब मैं जो हमारे आज के दूसरे वक्ता हैं आदरणीय मोहन अगाशे जी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें. आदरणीय मोहन अगाशे जी. नमस्कार. ये प्रसन्न जी ने बड़ी मुश्किल में डाला है मुझे. ये जिस दुनिया में मुझे ले गए हैं वहां से लौटना मुश्किल है. जल्दी हमेशा ऐसा ही करते हैं. खैर, एक बात अच्छी है कि वो जैसे चाहते हैं वैसे मैं छोटा हूं. और बहुत बहुत अक्सर बड़ी बात इतनी समझ में नहीं आती, थोड़ी कोशिश करता हूं थिएटर और स्पेक्टेटर शिक्षक है. और कुछ सुबह का बचा है वो इसी सेशन में डालता हूं. द ग्रेट थिंग इज आई थिंक द स्पेस एंड टाइम ऑफ थिएटर वॉज अ कॉमन रियालिटी फॉर बोथ द परफॉर्मर्स एंड द व्यूअर्स अप टू नाउ. मतलब जिस फिजिकल रियलिटी में परफॉर्मर थे उसी फिजिकल रियलिटी में दर्शक भी थे. एक ही फिजिकल रियलिटी में हिस्सा बांट कर लिए थे कि देखो मैं यहाँ जो करता हूँ इस लाइन से पहले आप मान जाइए, और वहाँ वाले लोग मानते थे कि जो तुम कर रहे हैं मैं मानता हूँ. ये मेक बिलीफ की शुरुआत थी थिएटर की, और इसलिए थिएटर बहुत सिंपल रहा था. टेक्नोलॉजी का थे नहीं, कहीं भी हो सकता था. कहीं भी शेयरिंग द सेम स्पेस सेम टाइम. और जैसे ही नाटक शुरू होता था वो वही फिजिकल स्पेस को एक अलग स्पेस बना देता था, अलग टाइम बना देता था, और दर्शक लोग वहाँ ही बैठ के मान जाते थे
कि ये अलग स्पेस है, अलग टाइम है। पहले दिन कहा था, जैसे हम स्टेज पर आते हैं हम मृत हो जाते हैं, सही बात है। आई थिंक द मोस्ट मैजिकल मोमेंट फॉर मी ऑफ डूइंग थिएटर इज, एक पल ऐसा होता है जब मैं विंग में पीछे खड़ा हूँ, मैं मोहन आगाशे हूँ, और एक पल में जैसे वो इमेजिनरी लाइन मैं क्रॉस कर देता हूँ, वो स्पेस को छोड़ के, वो समय को छोड़ के, अपने आप को वहीं छोड़ के कुछ अलग बन जाता हूँ, अलग स्पेस और अलग टाइम में। ये मैजिक है, कमाल का मैजिक है, ये बड़े काम का मैजिक आया मेरे लिए। जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल की छुट्टियों में कुछ वेकेशन क्लासेस होती थी, बड़ी फोटोग्राफी, तैरना, इधर उधर जाना, बहुत सारी 30-40 प्रकार की होती थी। मेरे बाप ने कहा था, देखो तुमको स्कूल में डाला है उतने ही पैसे हैं मेरे पास, वो तुम्हारी ऐश जो क्या क्लास की है, वो जो मुफ्त क्लास है वो करो। तो मैंने दो क्लासेस चुन लिए, एक था टकली पे सूत निकालना। टकली को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, टकली कहते हैं, टकली, टकली कहते हैं, हाँ, सूत निकालना। वो आगे चलकर बड़ा फायदा हुआ उसका, वो डेक्सटेरिटी और सर्जरी के लिए जो है ना हाथ अच्छा चलता है, लेकिन वो मुफ्त था। तो एक छुट्टी, महीने की एक छुट्टी में जो पहले धागा बिल्कुल नहीं टूटता, वो अंत में ऐसे 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 चैन से बनता था। और दूसरा था वो थिएटर वाला मामला, अभिनय, वो बड़े काम आया। वो काम इसलिए आया कि चाहे तुम्हारे पास कुछ न हो, तुम रंक भी हो, दूसरों को कैसा लगे कि तुम राजा हो। और ये सीखते सीखते वहां से भी जब रास्ते पे चला, तब लोग जिसको पागल कहते हैं उसको मैंने देखा, यहाँ से वहाँ से कुछ उठा रहा था, लेकिन एक कैप पहनी हुई, यहाँ एक शानदार फेदर लगा हुआ था, चलने में ऐसा, बड़े देखते हैं सामने वाले को, कहते तो वो तो मेरे लिए थिएटर स्कूल बन गया। बात नहीं, सब कुछ नहीं, खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं, लेकिन किसी को देखो तो लगेगा क्या कमाल की चीज। तो ये दोनों करके मैं अभिनय से जुट गया, और अभिनय से जुटते जुटते एक समय ध्यान में आया कि यार कमाल की चीज है, जो वाकई जीवन है वो रंगमंच पर मिला है, और जो नाटक है वो दुनिया में मिला है। लोग जितना नाटक बाहर रह के करते हैं उतना और उससे ज़्यादा अच्छा नाटक हम यहाँ रह के करते हैं, सिर्फ एक फर्क है, हम बता के करते हैं। दूसरे लोग बताते नहीं हैं। नाटक जैसा कोपिंग मैकेनिज्म ही है नहीं। चलो दिन की शुरुआत ही नाटक से होती है, बचपन से घर में नाटक करना पड़ता है, रोल करने पड़ते हैं, भाई है, माँ है, ये है वो, स्कूल में जाओ टीचर है, कुछ बोलते हैं तो गुस्सा आता है, कह नहीं सकते, नाटक करना पड़ता है। हाँ सर,
जी सर पढ़ता हूँ, मैं जाके करता हूँ। दफ्तर में जाते हैं वही है। जिंदगी के इतने एक सारे क्षण ऐसे होते हैं जहाँ नाटक करना पड़ता है। तो घर को घर इसलिए कहते हैं शायद कि जहाँ नाटक नहीं करना पड़ता है और हम जैसे हैं वैसे हो तो रिश्तों में फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए माँ का रास्ता सबसे अच्छा है, क्योंकि सारे भावना सारी इमोशंस निकालने का एक ही ऑब्जेक्ट होता है माँ। गुस्सा करो माँ पे, चिड़चिड़ाहट करो माँ पे, प्यार करो माँ पे। अच्छा, वो बीबी के साथ नहीं कर सकते ऐसा। और इसलिए ये जो है समझते ही कि ये लाइन जो है, आप तो समझते हैं नाटक पैसा दे के आते हैं, टिकट लेके आते हैं, आपको तो पता है योर सबकॉन्शियस कि ये जो सामने कर रहे हैं ये मोहन आगाशे हैं, लेकिन ये नाना फडणवीस कर रहे हैं, तो मुझे जो करना है वो मोहन आगाशे नहीं है। मैं भी इस तरह से काम मानता हूँ, तुम भी मानते हो, तो चीज़ तो ऐसी लगनी चाहिए पता हो के भी ये नाटक है कि ये नाटक नहीं है, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए। और वो अगर मैंने नहीं किया तो आप चले जाते बोल के दूसरी बार इनका नाटक देखने नहीं आएंगे। देखो कमाल की चीज़ है ये, कोई इन्वेस्टमेंट की चीज़ नहीं। 100 रुपये का टिकट खरीद कर आए, घर गए तो 150 रुपये की मनी ऑर्डर आई, लेकिन घर गए तो ऐसा लगना चाहिए चलो और थोड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और 100 रुपये खर्चा करके दूसरा नाटक देखते हैं। ये नाटक की कमाल है। सो यू हैव टू एक्ट एज इफ इट इज रियल व्हेन यू नो दैट अदर्स नो इट इज नॉट रियल, एंड इफ दे फील इट इज नॉट रियल दे डोंट लाइक इट। और आगे चल कर डॉक्टर बना तो मुझे पता चला कि एक अभिनेता और जो किरदार वो कर रहा है उसका रिश्ता जो है, और एक थेरेपिस्ट और उसका क्लाइंट यानी डॉक्टर और मरीज का जो रिश्ता है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, काफ़ी बदलाव है। इसलिए ये स्पेक्टेटरशिप जो थिएटर में होती है और आज की बदली हुई जो स्पेक्टेटरशिप जो वर्चुअल स्पेक्टेटरशिप है उसमें कुछ मज़ा नहीं है। ये रियल में क्या मज़ा है कि जो कुछ साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं या डॉक्टर करते हैं, एक बात चलती है कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं समझते हैं तो पेशेंट को जिस चीज द पेशेंट इज अलाउड टू ट्रांसफर इज इमोशंस टू द डॉक्टर ऑन डॉक्टर। हाँ, द पेशेंट कैन फॉल इन लव विद द डॉक्टर, पेशेंट कैन गेट एंग्री विद द डॉक्टर, हाँ पेशेंट कैन फील रिपल्सिव अबाउट द डॉक्टर, बट डॉक्टर इज नॉट अलाउड टू रेसिप्रोकेट। तो वो प्यार करता है तो चलो मैं भी प्यार करता हूँ, ये नहीं चलता। सो ट्रांसफर रन्स ऑफ इमोशन इज अलाउड फॉर द पेशेंट बट नॉट फॉर द डॉक्टर। ये किरदार करने की बात यही है, जब हम कुछ किरदार निभा रहे हैं तो किरदार की जो भावनिक ज़रूरतें हैं वो मेरी खुद की नहीं है, एज कलाकार मेरी खुद की नहीं है, वो तो है जिन्होंने वो किरदार निर्माण किया है, उन्होंने जो दिया है वो करने के लिए जो अंदर भावनाएं लानी है एक्चुअली। तो आई हैव टू ट्रांसफर इमोशंस फ्रॉम माय रियल लाइफ, क्योंकि तो होता ही है ना कभी कभी, अभी यहाँ गुस्सा, यहाँ प्यार करना है, यहाँ गुस्सा करना है, तो करें कब? अब जिनके साथ काम कर रहा हूँ
वो तो बड़े प्यारे लोग हैं, क्यों गुस्सा करें उनसे? लेकिन गुस्सा तो करना है। तो जहाँ गुस्सा आता है जिंदगी में, वहाँ से उधार लेके यहाँ खर्च करना है। ये इमोशनल मेमोरी की बात जो पढ़ाई में करते हैं ना आप लोग, वो हमको सिखाया नहीं किसी ने, सीखना पड़ा। सो यू हैव टू टेक अ नॉन रिफंडेबल इमोशनल लोन फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ एंड यूज इट इन द सर्विस ऑफ द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग। इसीलिए शायद आपको अगर याद होगा तो बच्चन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं इतनी बार एक्टिंग कर चुका हूँ कि मेरी माँ गई है कि जब शायद कभी ऐसा हो तो मुझे पता नहीं मुझे कुछ होगा अंदर की नहीं। Abuse of emotion and misuse of emotion can make a professional actor dry, vulnerable. That is the reason why you see that the psychological morbidity, ये professional actors में public से ज़्यादा होती है। But this happens in this space and I am not allowed actually to take those emotions from the character which I am supposed to play and use them in real life. अब मैं real life में नाना फडणीस करने जाऊं तो क्या हो जाएगा? हर लड़के को मैं ऐसे थोड़े ही नजरों से देख सकता हूं क्या? लेकिन ये स्पेक्टेटरशिप कई बार चीज आसान भी कर सकती है, मुश्किल भी कर सकती है, लेकिन उसका मजा ये है, चाहे वो अभिमंच हो, भूमुख हो, सम्मुख हो, बड़ा हो, बेसिकली यू आर शेयरिंग सेम फिजिकल स्पेस एंड टाइम बट रिलेटिंग इट कंप्लीटली डिफरेंटली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम and enjoying it so much that you can cope with the time and space when you go out. Now that spectatorship is affected by means my spectator is not in same time and space with me. Web series क्या बोलते हैं अभी? जब चाहो तब अपनी मर्जी से जहां भी जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास है देख लो। अब यहां परफॉर्मेंस कर रहा हूं और वहां कुछ कोई मैसेज करता है तो बड़ों से, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द रूल ऑफ द गेम। You are supposed to be in the same space and time which is created here, and anything which interferes with that is bad. तो क्या करें? कुछ नहीं, बर्टोल्ड ब्रेक का स्मरण करें और कहें कि ये एलिनेशन है। इस पे महाराष्ट्र में तो सुना होगा बहुत लोग खफा होते हैं, परफॉर्मेंस बंद कर देते हैं, दो तीन बार गुस्सा भी बहुत हो गया है। अभी अपने अपने दिमाग की तरह से लोग करते हैं, कई लोग झटके से परफॉर्मेंस बंद करते हैं, गाली देते हैं कि विक्रम गोखले करते हैं। मौका आया था मुझे भी एक दो बार करने का, तो मैंने क्या किया, मैं बड़ा देखा, देखो तुम डिफरेंट स्पेस टाइम में हो, कुछ अलग चल रहा है बीच में, ये उधर फड़क 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 हो रहा है, ध्यान नहीं होता। अच्छा इग्नोर करे, बहरे हो तो अच्छा है, अंधे हो तो और भी अच्छा है,
इसीलिए अंध भैरों का नाटक आजकल ज़्यादा अच्छा होता है, उनको तकलीफ नहीं होती उसकी। लेकिन वो होता है, तो हुआ मेरे काठकुंती कुंड में, तो मैंने बंद कर दिया, रंगमंच के आगे गया और से सुनने लगा अभी गुस्सा करने से कोई फायदा ही नहीं इस चीज का। बट दिस रिस्पेक्ट, दिस ऑनर ऑफ समथिंग क्रिएटेड बाय अस जॉइंटली एंड एग्रीड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय द करंट स्पेक्टेटरशिप। तो सुबह जैसा कहा था उनको, नाउ इन द ट्रेनिंग वॉट यू हैव टू लर्न इज हाउ टू सर्व योर अनसीन स्पेक्टेटर। तो वहां अध्यात्म की बहुत जरूरी है, पूरा आध्यात्मिक होना पड़ेगा एक्टर को, सबको करने के लिए। ये बड़ी सोच की बात है। और ये जो मैं बच्चों का नाटक करने लगा ग्रिप्स, उसमें कुछ स्वार्थ था मेरा। स्वार्थ ऐसा था कि बचपन में अगर अच्छा थिएटर देखना शुरू हो जाए, हाँ, तो ये आदत होती है ना, जैसे एक माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी आदत होती है वो खाने की, चाहे दूसरों को अच्छा न लगे अपने को अच्छा लगता है। तो एज अ स्पेक्टेटर बचपन से, इफ यू आर एक्सपोज टू क्वालिटेटिवली गुड थिएटर एंड एवरीथिंग, आगे चल के यू विल हैव सम नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग फॉर थिएटर। बाकी बहुत और भी चीज़ें थी, बट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन वी रियलाइज विद द एडवेंट ऑफ टेलीविजन कि स्पेक्टेटर आना मुश्किल हो गया। एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक रंगमंच के लिए तो और भी मुश्किल हो गया विन यू से। तो वी वॉन्टेड अ डेफिनेट टारगेटेड कमिटेड ऑडियंस जो स्कूल में मिलता है। और एक एडवांटेज था कि जहाँ जिनके साथ वो पढ़ाई करते हैं 8 घंटा, उन्हीं के साथ नाटक देखते हैं। उसके पहले चिल्ड्रन थिएटर में वो माँ बाप जब लाते हैं ना, तो दीज आर डिफरेंट चिल्ड्रन विथ हुम दे सी प्ले। एंड सेकेंड, वो माँ बाप की बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उनको नाटक को छोड़े अब हम क्या करें। तो ये नाटक ऐसा था कि इट वॉज एज इंटरेस्टिंग फॉर पेरेंट्स एज इट इज़ फॉर चिल्ड्रन, एंड मेनी टाइम्स इट वॉज एजुकेशन फॉर एडल्ट एंड एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन। तो ये स्पेक्टेटरशिप का नाता बनाने के लिए वो थिएटर बहुत काम आया। और ये मैं पूरी मतलब कि विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आज 35 साल बाद जब मैं देखता हूँ कि जब हमने पहली बार पिंटू और रानी नकोरे बाबा किया, और जो बच्चे देखने आते थे वो आज बड़े होके शादी होके उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो आके पूछते हैं सर नाटक करो ना इनके लिए, वही वाला। बस ये जो आदान प्रदान स्पेक्टेटरशिप में और करने वालों में जो है उसका डर मुझे लगता है। तो आजकल इतना वर्चुअल हम हो गए हैं कि हमारा अस्तित्व भी वर्चुअल हो गया है, और इससे बड़ी मुश्किल है ऐसा मुझे लगता है। दैट इज द मेन कंसर्न फॉर मी टुडे इन द एरिया ऑफ थिएटर एंड स्पेक्टेटरशिप। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमें कि जहाँ भी जाए कम से कम जो देखता है, और दैट इज वाई द ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड, अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है आज का। लोग
फिल्में भी बड़ी नहीं बनाते, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं। शॉर्ट फिल्म को बड़े अच्छे दिन आए हैं। सो दैट इज वन मेजर पॉइंट, आई विल लीव इट टू यू। सुबह दो चीज़ें मुझे बतानी थी एंड दे आर इन अ वे कंसर्न विद दैट, दैट इज वाई अगर आपकी इजाज़त हो तो पाँच मिनट में बोलता हूँ, बिकॉज दैट वॉज अबाउट एजुकेशन एंड टूडेज थिएटर। अगेन एज यू नो दैट मेरे ख्याल से थिएटर वॉज नॉट एन आर्ट फॉर्म टू बिगिन विद। ऑल आवर आर्ट फॉर्म्स आर बेसिकली कम फ्रॉम फोक, फोक म्यूजिक, फोक थिएटर, फोक पेंट, जो बहुत सारे लोग कर सकते थे उनसे आया है, और उस वो करने वाले में जो अच्छे थे ना वो कलाकार होके उसकी आगे कुछ एक संस्कृति बन गई, कथकली जैसा या स्पेशल फॉर्म्स, मास के क्लास हो गए जो सुबह कहा। वैसे वैसे तो फोक थिएटर, फोक, और इस मेरा कहना ये है इट हैपन्ड बिकॉज दैट टाइम इट वॉज नॉट एन आर्ट फॉर्म, दैट वॉज इंटीग्रेटेड विथ लाइफ। जीवन इतना कष्टमय था फिजिकल लेवल जो करना था खेती। शाम को जब लौटते थे और सूरज जाने के पहले अंधकार होता था, जब कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं कर सकते थे, थके हुए इंसान को अपना खुद का मनोरंजन करने के लिए वो जो करता था उससे बना हमारा फोक म्यूजिक, फोक डांस। और फोक का मतलब इतना है कि सारे बच्चे कर सकते हैं, वो जो डांस है वो फोक है। सारे बच्चे जो गा सकते हैं, सारे लोग जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो फोक म्यूजिक है। तो फोक म्यूजिक, फोक डांस, थिएटर एंड एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म वॉज इसेंशियली टू क्रिएट सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ, सो दैट यू कैन कोप विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। दैट इज हाउ इट वॉज इंटीग्रेटेड। आगे चल के वो आर्ट फॉर्म बन गए, और ये बनने के बाद दैट इज वाई देन स्कूल्स केम, देन ट्रेनिंग केम एंड एवरीथिंग। बट बेसिकली एनीथिंग विच हैज टू डू विथ एनी सेंसरी सिस्टम इज एन आर्ट फॉर्म। तो स्कूल में हम पढ़ते हैं तो यू नो द टर्मिनोलॉजी, करिकुलर सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैव टू डू विथ सेंसरी सिस्टम। सुनना, देखना, कूदना, खेलना, चित्र, टेस्ट, सब। एंड व्हेन आई रियलाइज विथ कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, व्हेन फादर टोल्ड, आई रियलाइज वन थिंग दैट इन द काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आई वॉज ग्रोइंग अप, इट वॉज इसेंशियल टू हैव टू प्रोफेशंस, वन टू सर्वाइव, अदर टू मेक द सर्वाइवल वर्थ। तो दिन का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें समय कैसा चला जाता है वो पता नहीं लगता। इट इज वेरी ईजी टू नो वॉट इज डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि जो भी चीज़ डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, आप करते हो, हमेशा समय की तरफ नजर जाती है। और जब तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज करते हो तो समय गुजर जाता है, पता नहीं चलता तोरी पापरी क्या हो गया। पढ़ते एंड यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि आई विल ट्राई टू गेट एवरीथिंग आई नीड फॉर लाइफ टिल 35 इयर्स और उसके बाद में मैं जीऊंगा। कैन डू दैट, दैट्स अ मिथ। एवरी डे यू हैव टू कार्व आउट टाइम टू डू थिंग विच यू एंजॉय डूइंग मोस्ट इन ट्रेनिंग। देयरफॉर नाउ देयर आर टू टाइप्स, वन इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रेनिंग, अदर इज प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अप्लाइड थिएटर
today has become one of the essentialities of life in two spheres, definitely, in education and in therapy. And I call it smuggling. I say, after retiring, I've changed my profession from doctor to smuggler. I smuggle education. I do surgery of education under anesthesia of entertainment. Because it's painful. Grips ka model wo hai. So training, in the training, one should include applied importance smuggling. The reason is, learning is not only a conscious phenomena, and it cannot be done only by textbooks. When we have migrated from oral to written skills, and when orators were replaced by writers, the word lost its image and sound, which has come back again in the digital medium. Image and sound communicates to your subconscious and unconscious mind. Word communicates to your conscious mind. So the term which you often use and try to understand in theater is subtext. The subtext is generally emotional. The text is generally intelligence. A simultaneous communication with conscious, subconscious and unconscious is possible in theater, in film. And that is why there should be a training module to know what are the, these are the side effects, not necessarily the toxic effects. Kabhi kabhi toxic ho sakte hain, but wo alag hai, but these are side effects of theater and film because this communication is passive. Reading and writing, you have to learn. You can't do it without. Bolna you can do without learning, by imitating, by knowing. That is how we learn to speak, actually. But reading, you have to learn. So it's an acquired skill. But seeing, listening, smelling, tasting is not an acquired, it's a natural skill which comes to you. Only thing, you have to be consciously aware which skill you are best at, which you are good at, if not cognitive. And particularly emotional communication is much more through image and sound. When you go back, close your eyes and see, whenever you try to remember when you had emotional outbursts, you will always see images. Sound, not the dialogue. In theater, when you have to give a speech, emotional speech, the words of the dialogue are not important. The pressure of speech, the speed of speech, and the way you say it is important, because you are communicating an emotion and not the content of what you are saying. Listen. And so that is why in theater training, subah bhi kaha gaya hai, that actor has to know himself, mean he has to know his own emotions first. And that communication takes place passively, silently. And the effects of this passive communication can be sometimes more dangerous than passive smoking. Because if through that, the exposure to junk entertainment, junk films, junk theater, is like exposure to junk food. And if you eat too much of junk food, you have to go on diet. So today's entertainment, if you have too much, very soon you have to go on cinematic and theatrical diet. Because, as I said, the effects of passive communication on emotion can be worse than passive smoking,
Passive smoking damages your body only, which anyway is a temporary thing. But passive communication, emotional, can spoil your mind and create the situations which Prasanna just described. And this is because of wrong communications of the same stories with different images and different sounds. So beware of all these three in theatre and in theatre education also. Thank you very much. बहुत बहुत आभार आदरणीय आकाशी जी. अब मैं आदरणीय गिरिजा शंकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें और अपना उद्बोधन दें. आदरणीय गिरिजा शंकर जी. नमस्कार दोस्तों. जैसा हम सब जानते हैं, प्रसन्ना जी ने कहा कि नाटक के तीन आयाम होते हैं और उसमें एक बड़ा आयाम जो है वो दर्शकों का होता है, जो मंच के ठीक नीचे बैठकर. मैं अपने आप को उसी आयाम में शामिल करता हूं और उसी श्रेणी में रखते हुए जो मेरे अपने अनुभव हैं उनको मैं आपसे शेयर करता हूं. यहां मेरे ख्याल से अधिकांश जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट या जो सीखने प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनकी संख्या अधिक है. जो अलग अलग शहरों में, खासकर छोटे शहरों में जो नाटक देखने को मुझे मिलता है, जो नाटककारों से मिलने की बातचीत उनसे होती है और जो उसका परिदृश्य उभरता है, वो शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा. क्योंकि अपने प्रशिक्षण और शिक्षण के बाद बहुत सारे लोग जो मुंबई नहीं जा पाएंगे वो अपने अपने शहरों में जाकर काम करेंगे और वहाँ जो रंगमंच का जो परिदृश्य है उससे मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा. नाटक शुरू होने में थोड़ा सा वक्त बचा था, लेकिन हाल में गिने चुने दर्शक भी हैं. फिर भी नाटक नियत समय पर शुरू हो जाता है, क्योंकि नाटक करने वालों को ये मालूम है कि नाटक शुरू करने में कुछ देर भी कर दी तो कोई बहुत ज़्यादा दर्शक आने वाले नहीं हैं. नाटक शुरू होने के बाद कुछ और दर्शक आ जाते हैं, लेकिन 200-300 की कैपेसिटी वाला हॉल भर नहीं पाता. महानगरों के कुछ नाटकों की बात छोड़ दें या गांव में जो जननाट्य लोकनाट्य वो अपवाद मान लें, तो लगभग हर छोटे बड़े शहरों में जहां लगातार रंगमंच हो रहा है वहां नाटकों के दर्शकों का टोटा हर जगह देखने को मिलेगा. ये तो तब है जब नाटक मुफ्त में दिखाए जाते हैं. हर रंगकर्मी की यही शिकायत सुनने को मिलेगी कि लोग टिकट लेकर नाटक देखने नहीं आते. ये शिकायत भी रहती है कि दर्शकों में नाटक देखने का शऊर नहीं है. सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्या नाटक हमारे दर्शकों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो रहे हैं, या रंगकर्मी दर्शकों को अपने नाटकों के प्रति आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, या दर्शकों की रंगमंच के प्रति रुचि ही नहीं है? आखिर जो रंगमंच में दर्शक था वो कहाँ घूम गया? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक संवादहीनता रंगकर्मियों और दर्शकों के बीच तो है, जो नाटकों से दर्शकों को इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि नियमित रंग दर्शकों का वर्ग खड़ा हो सके. नाटक लिखते वक्त नाटककार के सामने दर्शक का कोई आग्रह नहीं होता, लेकिन नाट्य निर्देशक के सामने नाटक खेलते समय क्या दर्शकों का ध्यान वो रख पाते हैं? क्या उनका आग्रह दर्शक होते हैं? या दर्शक आज जिन सवालों से रूबरू हो रहा है उन सवालों से नाटक करने वाले अपने नाटकों के जरिए क्या जुड़ पा रहे हैं? यह सवाल रंगमंच करने वालों को खुद से पूछना चाहिए कि वो नाटक क्यों कर रहे हैं और किन के लिए कर रहे हैं. बहुत सारे सवालों के जवाब यहीं मिल जाएंगे. बहरहाल मेरा मानना है कि नाटकों के लिए बहुत बड़ा दर्शक वर्ग तैयार खड़ा है, जिन तक नाटक अब तक पहुँचा ही नहीं है. आज रंगमंच का जो दर्शक है वो नियमित रूप से नाटक देखने आता भी है और नहीं भी आता. इससे इतर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने कभी नाटक नहीं देखा,
लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो नाटक देखना ही नहीं चाहता। हाल ही में रायपुर में आपके SDN हीरा मानिकपुरी ने एक प्रयोग किया कि 200 ऐसे लोगों को नाटक दिखाने आमंत्रित किया गया जो कभी नाटक देखे नहीं थे। नाटक देखने के बाद उनसे पूछा गया कि आप नाटक क्यों नहीं देखते, नाटक देखने क्यों नहीं आते, तो उनका जवाब था कि हमको पता ही नहीं कि नाटक हो रहा है। तो ये है नाटक और दर्शक के बीच का डिस्कनेक्ट। सवाल उठता है कि उस वर्ग तक पहुंचने और उसे नाट्य दर्शक बनाने की दिशा में कभी कोई काम हुआ या कभी इस पर सोचा गया या नहीं? जवाब हाँ में मिलेगा। नुक्कड़ नाटक आखिर है क्या? यह उन दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश है जो ऑडिटोरियम के में नाटक देखने नहीं आ पाते। दिक्कत यह है कि नुक्कड़ नाटकों का चलन धीरे धीरे प्रतीकात्मक हो चला है, उसमें भी गति आनी चाहिए जिसका अभाव है। वैसे भी जिस रंगमंच की हम बात करते हैं वो शहरों में समाया हुआ है, गांव कस्बों के विशाल भूभाग में रहने वालों तक रंगमंच की पहुंच है ही नहीं। लोक शैली का रंगमंच प्रयोग में होता है लेकिन उन नाटकों के प्रदर्शन वापस गांव तक नहीं पहुंच पाते, शहरों में रह जाते हैं। जिन लोक कलाकारों को लेकर नाटक तैयार किए गए उनका प्रदर्शन भी उन लोक कलाकारों के गाँव तक भी पहुँचा होगा ऐसा मुझे याद नहीं है। यहाँ तक कि लोक कलाकार जो शहरी रंगमंच में आकर काम करते हैं वो शहरी रंगमंच का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। गाँव से शहर की रंगमंची यात्रा शहर से गाँव की तरफ जाए ऐसा मैं नहीं देख पाता। भारत जैसे महादेश में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, उम्र, लिंग जैसे बहुत सारे कारकों के चलते रंग दर्शकों की पसंद नापसंद या उम्मीदों में घनघोर विविधता पाई जाती है। बावजूद इसके लाइव परफॉर्मेंस एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते नाटक सभी को एक साथ स्वीकार हो जाता है। इसी दर्शक वर्ग को विस्तारित करने की आवश्यकता है। रंग दर्शकों को लेकर कोई शोध या अध्ययन हुआ हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा दर्शक वर्ग है जो नाटक देखने को तैयार है। ज़रूरत है उस दर्शक वर्ग तक नाटक को ले जाने और एक नया नाटक दर्शक वर्ग तैयार करने की। यह उपाय रंगकर्मियों को ही करना होगा। सबसे पहले तो रंगकर्मियों को खुद दर्शक बनना होगा। यह जानना क्या दिलचस्प नहीं होगा कि कितने रंगकर्मी हैं जो नियमित रूप से रंग दर्शक भी हैं। मैं यह भी नहीं मानता कि आज के समय में रंग दर्शकों का नितांत अभाव है। हर शहर में दर्शकों का भले ही छोटा एक समूह है जो नियमित नाटक देखता है। इस समूह को विस्तार देने की कोशिश करने के बजाय ऑडिटोरियम से नाटकों को टेरेस और ड्राइंग रूम में ले जाने से बेहतर है कि नाटक को समाज के बीच, समुदायों के बीच कैसे ले जाया जाए इसका जतन हो। जब हम नाटक के सामाजिक जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी यह है कि नाटक समाज तक पहुँचे, समुदाय तक पहुँचे, और समुदाय के बीच जब नाटक पहुँचेगा तो फिर उस जिम्मेदारी का निर्वहन आगे होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि रंगमंच को ऑडियंस फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। महानगर हो या छोटे शहर, जहाँ ऐसे ऑडियंस फ्रेंडली नाटक हो रहे हैं वहाँ दर्शकों की कोई कमी नहीं है। जब मैं ऑडियंस फ्रेंडली नाटक की बात करता हूँ तो कुछ नाटकेतर पहलुओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मसलन नाट्य प्रदर्शन का समय ऐसा रखा जाए जो दर्शकों के अनुकूल हो। दिल्ली में यदि नाटक 6 बजे आप समय रखते हैं तो बहुत सारे जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो ये देखना होगा कि दूसरी बात जो है नाटकों की जानकारी, नाटक होने की जानकारी दर्शकों तक कैसे पहुँचे। जो चिंता रंगकर्मी अपने नाटक की खबर या समीक्षा अखबारों में अगले दिन आए उसकी चिंता करते हैं, उतनी चिंता यदि वो ये करें कि नाटक के दिन नाटक होने की जानकारी अखबार में आ जाए ताकि दर्शकों को मालूम पड़ जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यदि दर्शकों को यही नहीं मालूम पड़ेगा कि नाटक कहाँ और कब हो रहा है तो दर्शक आखिर आएंगे कैसे? हबीब तनवीर साहब ने लोक कलाकारों के साथ जो 70 के दशक में एक वर्कशॉप किया था, पहला वर्कशॉप था, उसमें शहरी रंगकर्मियों के अलावा उन लोगों को भी अनुमति थी आने की जो रंगकर्मी नहीं थे लेकिन जिनको रंगकर्म में दिलचस्पी थी और जो उस वर्कशॉप में आना चाहते थे। लिहाजा माहौल ऐसा हुआ कि उसके बाद एक बहुत अच्छा रंगमंच का माहौल बना जिसमें रंगकर्मी भी बहुत से तैयार हुए और रंग दर्शकों का एक समूह तैयार हुआ। ये इत्तेफाक है कि लगभग उसी दौर में 73 के आसपास बाबा कारंत ने भोपाल में वर्कशॉप किया था। आज तक जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट डायरेक्टर वहाँ पर हैं
और बहुत सारे दर्शकों का वर्ग जो है उस 1973 के बाबा के वर्कशॉप के बाद वो तैयार हुआ। आज आप देखेंगे कि रंगमंच के बहुत सारे वर्कशॉप देश भर में हो रहे हैं। क्या हबीब साहब का ये प्रयोग उस उन वर्कशॉप में क्या दोहरा सकते हैं? वरिष्ठ रंग निर्देशकों के बारे में सुना है कि वे अपने नाटक के बाद कभी प्रत्यक्ष रूप से या कभी अप्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के बीच जाकर उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करते थे और उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने नाटक के अगले प्रदर्शन में कुछ तब्दीली भी करने की कोशिश वो करते थे। कुछ रंग निर्देशक अभी भी नाटक खत्म होने के बाद दर्शकों से संवाद करते हैं, लेकिन ये आम परंपरा नहीं है। रंगकर्मी दर्शकों से संवाद करते, उनकी प्रतिक्रिया जानते नज़र नहीं आते, खासकर उन शहरों में जहां दर्शकों का टोटा है। मैं दर्शकों को भी रंगकर्मी मानता हूं, क्योंकि दर्शकों के बिना रंगमंच संभव नहीं है। आज के समय में दर्शकों के पास नाटक देखने के लिए ऑडिटोरियम में जाने के अलग विकल्प उपलब्ध हैं। इन दिनों नाटक की प्रस्तुति को एक साथ कई मंचों पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। कई टीवी और वेब चैनल नाटकों का प्रसारण करने लगे हैं और दर्शक अब अपने मोबाइल फ़ोन पर भी जब चाहें जहां चाहें नाटक देख सकते हैं। नाटक इन माध्यमों के जरिए अधिक दर्शकों तक पहुंचने लगा है, जो प्रकारांतर से रंग दर्शकों की संख्या ही बढ़ा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये इस माध्यम के आ जाने से एक अलग किस्म का दर्शक वर्ग बन रहा है, उसका मिजाज बदल रहा है, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि इनके आने से रंगमंच को कोई ऐसा खतरा है जैसा कि ये माना गया कि टेलीविज़न आ जाने के बाद अखबारों को खतरा हो जाएगा या इस तरह का कोई माध्यम नहीं है। बल्कि मेरा एक अलग अनुभव है। मेरी पत्नी जो सास बहू वाली सीरियल जो है वो लगातार देखती थी, कुछ समय पहले टेलीविज़न पर टाटा स्काई या किसी और उसमें नाटक का वो है, उसमें नाटक आने लगा, वो नाटक देखने लगी। नाटक देखने के बाद उसकी रुचि सास बहू से हट गई और वो नाटक देखने लगती है टीवी पर भी और ऑडिटोरियम में जाकर भी। जैसे मैंने पहले कहा, कई स्तर पर विविधताओं के चलते दर्शकों की पसंद का कोई पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस जिस तरह सबको नाटक की ओर खींच लाता है और इसका कोई विकल्प है भी नहीं, अब उसे बांधे रखना, उस दर्शक वर्ग में विस्तार करना और उसे सुधी दर्शक वर्ग में कन्वर्ट करना, ये रंगकर्मियों की जिम्मेदारी है। मैं कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव थोड़ा शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी चिंता ये है कि जो नीच से मास और नाटक को समाज की ज़रूरत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो होना चाहिए। और वो कैसे हो, कैसे समाज के अंदर, समुदाय के अंदर हम नाटक को लेकर जाएं, उसकी कुछ कोशिशें छिटपिट की थी, मैं आपका जिक्र करना चाहूँगा। जब नाटक करते थे हम लोग, उस दौरान मुझे मेडिकल कॉलेज के सोशल गैदरिंग का जिम्मा मिला कि इसको आप करिए। मैंने डॉक्टरों से कहा कि जो हल्के फुल्के कार्यक्रम होते हैं उसके बजाय कुछ गंभीर और बेहतर नाटक किए जाएं। मोहन राकेश, भीष्म साहनी, धर्मेंद्र भारती, इनके नाटक मेडिकल कॉलेज में, ये 74, 75, 76 की बात होगी मेरे ख्याल से, उसमें किए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज की सोशल गैदरिंग में शहर के लोगों का आना स्टेटस सिंबल हो गया। दूसरी जगहों पर भी जो सोशल गैदरिंग है उसमें नाटकों को जगह मिलने लगी और नाटक के दर्शक तो बने ही, बहुत सारे कलाकार नाटक के मिल गए। 6-7 सालों तक लगातार ये करने के बाद आज मैं जब देखता हूँ कि उनमें से कुछ डॉक्टर आज भी अपने संस्थानों में डॉक्टरी करने के साथ साथ रंगमंच भी कर रहे हैं। पिछले साल मालूम पड़ा नानावती हॉस्पिटल के एनुअल फंक्शन में नाटक हो रहा है और उसमें वही लड़का लीड कर रहा है जो उस समय मेडिकल कॉलेज में था। तो ये नए तरह से आप इस तरह घुसपैठ हम रंगमंच की हम समाज के अंदर कर सकते हैं। मैंने देखा कि विभिन्न समाजों में वार्षिक सम्मेलन होते हैं, अधिवेशन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे हैं, उनके अपने अधिवेशन होते हैं और उसमें कल्चरल प्रोग्राम का एक कंपोनेंट बहुत अनिवार्य रूप से होता है। आमतौर पर उसमें वो मिमिक्री का या कोई इंस्टेंट कॉमेडी का या कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते थे। मैंने कोशिश की कि आप इसमें एक नाटक जरूर करवाइए। तो पहले उन लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि इस तरह के अधिवेशन में कैसे नाटक को पसंद करेंगे लोग, लेकिन जब हुआ तो उन सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कई जगहों पर वो परंपरा शुरू हो गई। मैं तो यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि आपके
जो सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम हैं उसमें भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें नाटक को जगह देकर देखिए। आप देखिए कि मैं सारा आग्रह मेरा ये होता है लोगों से कि अपने मेहमानों का स्वागत नाटक से करिए। यह हमेशा ध्यान रखना होगा, रंगमंच स्वांतः सुखाय का माध्यम नहीं है। यह दर्शकों का मनोरंजन जरूर करता है लेकिन यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। नाटक हमेशा दर्शकों के लिए होता है और यही तब रंगमंच को सामाजिक सरोकार से भी जोड़ता है, उसका सामाजिक उत्तरदायित्व बनाता है। रंगमंच सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम है। इसको समझने के लिए गांधी जी का उदाहरण पर्याप्त है, जिनको कि अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएँ हरिश्चंद्र नाटक देख के मिली। रंगमंच एक गंभीर विधा है जो दर्शकों का मनोरंजन करते हुए उस सोचने पर मजबूर करता है। रंगमंच की सामाजिक जिम्मेदारी उस काल में तब और बढ़ जाती है जब सामाजिक आंदोलन नदारद हों। बरसों से आपने किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, श्रमिक आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलन की आहट नहीं सुनी होगी। ऐसे में रंगमंच की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह सामाजिक अभिव्यक्ति के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हो। मोटे तौर पर आज रंगमंच रंगकर्मियों का रंगमंच है। इसे जनता का यानी दर्शकों का रंगमंच बनाना होगा। ऐसे होने पर ही रंगमंच अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय गिरिजा शंकर जी। मित्रों, तीनों जो हमारे वक्ता हैं वो अपना वक्तव्य दे चुके। मुझे अपनी बात कहनी है और उसके बाद प्रश्नोत्तर भी यदि इस सभागार में जो आप विराजमान हैं किसी के मन में आज के इस सेशन में कोई प्रश्न खड़ा होता है तो निश्चित रूप से हम उसका भी स्वागत करेंगे। प्रेक्षक और नाट्य का अंतर संबंध वर्तमान समय में मोहन जी ने एक संकेत किया कि जब नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो असल में उस प्रेक्षक के लिए भी और उस अभिनेता के लिए भी वो समय वो नहीं होता या वो देश नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है क्योंकि नाट्य प्रस्तुति जब भी की जाती है तो वो काल को स्थगित करके ही की जाती है और वो जो काल स्थगन है असल में वो एक सनातन काल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम प्रसन्ना जी ने जो रेफरेंस दिया रामायण का या हनुमान का, अगर रामायण की प्रस्तुति हो रही है और वर्तमान समय में हो रही है तो ये समय तो रामायण का नहीं है और अभिनेता जिस देश में उपस्थित है वो देश भी रामायण का देश नहीं है, वो कोई एक और काल है, काल का विस्तार है। लेकिन उस काल के विस्तार में उस काल के स्थगन की सूचना है और अगर हम इन चीजों को जोड़ें, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में रस का प्रेक्षक से और नाट्य से गहरा रिश्ता माना गया है और नाट्य का उद्देश्य ही माना गया है रस निष्पत्ति। अगर हम नाट्य की भारतीय परंपरा में नाट्य शास्त्र को समझने की प्रक्रिया को देखें तो वहां पता लगेगा कि अधिकांश बहस इस रस निष्पत्ति से संबंधित है।
नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पे बात कम हो रही है। रस कहाँ उत्पन्न होता है, सारी बहस उस पे है। और ये भी आश्चर्यजनक है कि जो अंतिम विचार करने वाला व्यक्ति नाट्य शास्त्र पे गंभीरता से विचार करने वाला अभिनव गुप्तपाद, उसे आज 1000 साल हो गए। उसके बाद नाट्य शास्त्र पे हमारी परंपरा में उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। हम आज भी अभिनव भारती को अंतिम सत्य मानकर, जो टीका लिखी अभिनव गुप्त ने, उसी को अंतिम सत्य मान रहे हैं। हम कभी ये प्रश्न नहीं करते कि भरत जो कह रहे हैं कि अथर्ववेद से रस लिया, क्योंकि नाट्य का लक्ष्य है रस निष्पत्ति, और वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने चार चीजें चार वेदों से ली और पांचवा वेद बनाया, पंचम वेद इसीलिए नाट्य को कहा गया है। हम कभी ये प्रश्न अपने तई भी नहीं लेते कि अथर्ववेद से ही रस क्यों लिया। ऋग्वेद से क्यों नहीं लिया, या यजुर्वेद से ही अभिनय क्यों लिया? क्या उन वेदों का नाट्य के इन तत्वों से कोई रिश्ता पहले से है? और हम नाट्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कभी इस बात की चिंता नहीं करते, कभी इन प्रश्नों से जूझते नहीं है कि भाई नाट्य के लिए जब कहा गया है कि चार वेदों से ये चीजें लेके नाट्य को बनाया गया है, तो हम ये जानने की कोशिश करें कि इन वेदों का नाट्य से क्या रिश्ता है। अभिनव गुप्त ने जो 1000 साल पहले कहा यजुर्वेद से अभिनय लेने का अर्थ है कि जो यज्ञ करवाते समय होता, उद्गोता, उद्गाता, प्रस्तोता, जो भी होते थे ब्रह्मा, यानी जो मुनि ऋषि यज्ञ करवा रहे होते थे, वो जो एक्ट कर रहे हैं, भरत का तात्पर्य उस अभिनय से है। प्रश्न ये है कि क्या यज्ञ में, यज्ञ को संपादित करने वाले, करवाने वाले वो ऋषि लोग क्या एक्ट कर रहे हैं? वो एक्ट नहीं कर रहे, तो उसका तात्पर्य क्या है? अथर्ववेद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा अधिकांश मंत्र उसमें भेषज कर्म के मंत्र हैं, मेडिकल से जुड़े हुए, बीमारियों के इलाज का, सांप के काटने का इलाज क्या हो उसका मंत्र है। और भरत कह रहे हैं कि रस यहां से लिया, ऋग्वेद से पाठ्य लिया है, पाठ नहीं लिया है, इसे जानने की जरूरत है मित्रों। पाठ को हम टेक्स्ट मान लेते हैं, लेकिन वो पाठ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है पाठ्य, वक्तृत्वता, बोलने की जो कला है। तो क्या थिएटर करने वाले को इन सब चीजों को नहीं जानना चाहिए? हनुमान का जिक्र किया प्रसन्ना जी ने, हनुमान के लिए कहा जाता है कि वो मरुत पुत्र है, मारुति नंदन, वायु पुत्र, क्योंकि मरुत को वायु भी कहा जाता है। क्या आपने कभी विचार किया कि इस वायु का या कि मरुत का नाट्य से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता है भी या नहीं, बनता है क्या? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि भरत 49 भाव की बात करता है,
अभिनेता जब सक्रिय होता है तो वो कहता है 49 भाव है जिससे रस निष्पन्न होते हैं और 49 पवन कहे गए हैं। क्या 49 पवन का 49 भावों से कोई रिश्ता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मरुत शब्द क्या है मित्रों? एक और शब्द है जिसे हम नटराज के रूप में जानते हैं और ये मानते हैं कि ये पूरा जो कर्म है वो उससे निष्पन्न है, शुरू होता है शिव से, और शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। ये शब्द क्या है मरुत रुद्र? ये शब्द पीड़ा से जुड़े हुए हैं, रोने से जुड़े हुए हैं। क्या कहीं नाट्य का उद्देश्य पीड़ित लोगों की अभिव्यक्ति को स्वर देना इसलिए नहीं है कि उनके जो प्रारंभिक रूप हैं वो उस पीड़ा से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो भी नाटक के लोग हैं वो जानते होंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का नाटक, उसमें अंत में जब दुष्यंत वापस लौट रहे हैं और मरीचि के आश्रम पे पहुंचते हैं, उससे पहले एक संवाद है वो मातली से, जो इंद्र का सारथी है, उससे एक प्रश्न करते हैं, मातली हम वायु के किस मार्ग से जा रहे हैं? और मातली कहता है हम वायु के प्रवाह मार्ग से जा रहे हैं। क्या किसी भी निर्देशक ने या अभिनेता ने कभी ये कोशिश की कि ये वायु का प्रवाह मार्ग क्या है? क्योंकि उसका रिश्ता आपकी सांस से जुड़ा हुआ है। जिसे हम योग कहते हैं मित्रों, वो आसन नहीं है जो आज प्रसिद्ध हो गया है, वो आपकी सांस को साधना है। किस लिए साधना है? चित्त के निरोध के लिए। क्योंकि दूसरा ही सूत्र पतंजलि के योग शास्त्र का यही है, चित्त का निरोध योग है। क्या रिश्ता है इनका? एक अभिनेता का सांस को साधने का क्या संबंध बनता है? भारतीय परंपरा में उसके सारे सूत्र हैं और वो सूत्र सिर्फ नाट्य शास्त्र में नहीं है। नाट्य शास्त्र तो आपको एक कथा कह रहा है, इसलिए मैं नाट्य शास्त्र को भारतीय चिंतन परंपरा का ग्रंथ कहता हूं, क्योंकि उस एक ग्रंथ को समझने के लिए पूरी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है आपको उसे जानना पड़ता है। हमें यह जानना पड़ता है कि ये जो मरुत है ये कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे, उसका नाम मरुत क्यों है? मारुद्ध, इंद्र जब मार रहा है उस भ्रूण को जो दिति के गर्भ में है और दिति उसको इसलिए जन्म देना चाहती है कि वो इंद्र का वध करे, यही वरदान उसने लिया है अपने पति कश्यप से, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध करे। उन्होंने कहा तथास्तु। इंद्र को पता लग जाता है और इंद्र
दीति की सेवा में आकर उपस्थित हो जाता है, सेवा कर रहा है, जानता है संतान जो होगी वो मेरा वध करेगी, लेकिन उस वरदान में एक बात कश्यप जोड़ देते हैं, 100 साल पवित्र रहकर तपस्या करना तब तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। अब बस यही जगह है, पवित्र रहकर। हमारी पूरी भारतीय परंपरा में आप देखिए जहाँ भी वरदान है वहाँ एक हल्की सी गुंजाइश है जो उस वरदान को उलट सकती है। एक दिन जब समय करीब है संतान के उत्पन्न होने का, इंद्र सेवा में है और दीति उसे कहती है बस अब थोड़े ही दिन बाकी हैं, तुम्हारा भाई आएगा, तुम्हारा वध करेगा। इंद्र कहता है हाँ होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल दिया है वरदान कश्यप ने। वैसे दीति है कौन इंद्र की? मौसी। हम जब भारतीय परंपरा को जानने लगते हैं तो हमें ऐसे बहुत से रोचक रिश्ते पता लगते हैं, लेकिन एक दिन दीति से गलती हो जाती है। वो स्नान करके आई है, उसके बाल खुले हैं और वो इंद्र के पांवों में लेट जाती है, उसे झपकी आ जाती है। इंद्र उसी क्षण की तलाश में है, वो अपवित्र हो गई। उसे उस अवस्था में इंद्र के पांवों में नहीं लेटना था। वो उसके गर्भ में प्रवेश करता है और उस भ्रूण की हत्या करना शुरू करता है, उस भ्रूण के 7 टुकड़े करता है और भ्रूण चिल्ला रहा है मां रुद्र, ये इंद्र कह रहा है उसकी चीख पर मत रो। मां रुद्र जो शब्द है इस मां रुद्र से बना है संस्कृत से, जिसका अर्थ है मत रो, क्योंकि वो रो रहा है मारो मत। इंद्र कह रहा है मां रुद्र, 7 टुकड़े करने के बाद भी वो निश्चिंत नहीं हो पाता कि अब मैं सुरक्षित हुआ कि नहीं, तो 7 के 7 7 टुकड़े और करता है। कितने टुकड़े हो गए? 49। और बाहर आ जाता है गर्भ से, दीति की आंख खुल जाती है और उसे पता लग जाता है सब गलत हो गया। इंद्र सेवा में उपस्थित है, हाथ जोड़े हुए, तो दीति कहती है तेरा दोष नहीं है, मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं तेरे से एक आश्वासन मांगती हूं, मेरी संतान को तुम देवत्व प्रदान करो, उसे यज्ञ में हिस्सा दो। वो कहता है ठीक है मैं करूंगा, मैं इसे भाई की तरह रखूंगा। और वो मरुत देवताओं का सेनापति है। आप जब महाभारत पढ़ते हैं तो पता लगता है धर्मराज को आमंत्रित करने के बाद कुंती ने मरुत को आमंत्रित किया संतान के लिए, इसलिए भीम पैदा हुआ। तीसरी बार उसने आमंत्रित नहीं किया किसी देवता को, लेकिन इंद्र ने दूसरे देवताओं से कुंती के बारे में सुना तो स्वयं चला आया, लेकिन कुंती ने इनकार किया, नहीं मैंने 2 संतान प्राप्त कर लिए, बस अब मैं अगर ऐसा करती हूं तो ये धर्म विरुद्ध है। लेकिन पांडु कहता है देवताओं का राजा आया है, स्वयं आया है, तुम्हारा सौभाग्य है
उसे प्रसन्न करो, अर्जुन पैदा होता है। लेकिन ये जो मरुत हैं, जो 49 हैं, और हमारे भारतीय पुराणों में एक रेफरेंस आता है ब्रह्मा का, ब्रह्मा एक सुंदर स्त्री को देखकर वासनाग्रस्त हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरे भीतर 49 भाव एक साथ प्रकट हुए। ये भरत कोई पहली बार 49 भाव नहीं कह रहा है, ये उसी रेफरेंस में ला रहा है। और उनका रिश्ता है, जब हम प्राणायाम की प्रक्रिया में जाते हैं, आप में से जो भी इस योग की प्रक्रिया में जाते हैं आपको पता होगा, 5 प्राण मुख्य माने गए हैं, फिर 5 उप प्राण माने गए हैं, 10, लेकिन 39 अन्य प्राण है जो शरीर की क्रियाओं को संपादित करते हैं। इसके सारे रेफरेंस हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में उपलब्ध है। इसलिए जब हम अभिनय की बात करते हैं, जब हम रस की बात करते हैं, जब हम प्रेक्षक की बात करते हैं, एक बहुत सुंदर शब्द है हमारी परंपरा में प्रेक्षक के लिए, सहृदय। उसे देखने वाला नहीं कहा है, सहृदय कहा है। एक और शब्द हमारा नाट्य शास्त्र कहता है, सामाजिक। ये जो सहृदय होना है, ये साझेदारी है। और क्योंकि नाट्य किसी भी समय किया जाए, किसी भी काल का किया जाए, वो हमेशा वर्तमान में ही संभव होता है। आप कालिदास को कीजिए, लेकिन आज करना होगा, देखने वाले को लगेगा आज दुष्यंत कर रहा है, वो इतिहास का दुष्यंत नहीं होगा, आज वर्तमान, वो हमेशा वर्तमान में रहता है। इसलिए वर्तमान समय में प्रेक्षक और नाट्य का रिश्ता जो है वो कोई विषय को छोटा करने का प्रयास करता है। नाट्य हमेशा वर्तमान में ही संभव होता है। जब तक हम इस पूरी ज्ञान परंपरा को ठीक से नहीं समझ लेते, ये अवसर भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें विस्तार से बताऊं, लेकिन मेरी अपेक्षा थिएटर करने वालों से हमेशा ये रहती है कि आप थिएटर कर रहे हैं उसके इस ज्ञान परंपरा को जान लीजिए। आपको लगे ये ठीक नहीं है, जान के छोड़ दीजिए, हम बिना जाने छोड़ रहे हैं। जैसे हमने छंद को छोड़ दिया, क्योंकि बगैर छंद के कला संभव ही नहीं है। कला की जो सबसे पुरानी परिभाषा हमारी परंपरा में मिलती है प्रसन्ना जी, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय महिदास एक ऋषि हुए, इतना उनकी मां का नाम है, वो अपने नाम के साथ मां का नाम जोड़ते हैं, ऐत्रेय, ऐत्रेय महिदास। वो शायद पहली बार कला को परिभाषित करते हैं। कला किसे कहते हैं? दो बातें कहते हैं, जिसमें कौशल हो, दूसरा जो छंदबद्ध हो। और अगर हम नाट्यशास्त्र को देखें तो जब ब्रह्मा अभिनेता की विशेषताएं बता रहे हैं इंद्र को, तो पहली विशेषता वो यही बताते हैं, कुशला, जो कुशल हो, कौशल युक्त। अब ये कुशल शब्द भी किससे बना? कुश कहते हैं दोब को। एक समय में उस दूब से वस्त्र बनाया जाता था,
और वो बनाना, जैसे हम स्वेटर बनाते हैं ना, नीटिंग, वो बहुत मुश्किल काम था। तो उसको जो करते थे उनको कहा जाता था ये कुशला। चार चीजें, कुशला, विदग्धा, प्रगल्भा, जित श्रमा, एक अभिनेता के लिए चार चीजें मानी गई। विदग्धा, सहृदय होना लगभग समान है, जो समान रूप से जला हुआ है। प्रगल्भा, जो वाक चतुर है। हम थिएटर में अक्सर एक्टर को सिखाते हैं इंप्रोवाइज करना सीखो, पता नहीं कहीं डायलॉग भूल जाओ तो इंप्रोवाइज कर सको। ये वाक चातुर्य जो है वो अभिनेता का गुण माना गया है। और जित श्रमा, जो श्रम को जीता हुआ है, जो मेहनत कर सकता है, और वहीं वो उसके दूसरे ही पद में वो आलेख से प्रस्तुति तक की प्रक्रिया बताते हैं। चार चीजें कहते हैं उसमें, ग्रहणे, धारणे, ज्ञाने, प्रयोग। ग्रहण करना, धारण करना, उस पे विचार करना, ज्ञान और प्रयोग करना, ये नाट्य की स्क्रिप्ट से परफॉर्मेंस तक की यात्रा है। इसलिए धारणे जब भी हम कहते हैं तो प्रसन्ना जी, धर्म तो उसमें शामिल है, क्योंकि धर्म की परिभाषा यही है, जिसे हम धारण करते हैं। आज हमने उसको अलग अर्थों में ले लिया है, हमने संप्रदाय को ही धर्म मान लिया है। इन सारी चीजों के रेफरेंस में मित्रों, परफॉर्मेंस और स्पेक्टेटर की रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस सत्र में उपस्थित हुए। हमारे जो ज्ञान वृद्ध रंग व्यक्तित्व हैं उनके उद्बोधन को सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार। अब आप में से यदि इन सारी प्रक्रियाओं, इन सारे संबोधनों से कोई प्रश्न उपजता है तो अवश्य पूछें, आपका स्वागत है। सर नमस्ते, इधर। सर मेरा प्रश्न गिरिजा शंकर सर से है। उन्होंने जो भी एक आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट बोला कि जैसे अभी वेब सीरीज़ वगैरह बहुत सारी आ गई है, वेब सीरीज़, यूट्यूब चैनल्स, तो आपने कहा कि थिएटर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए कि जैसे आजकल दूरदर्शन पर भी नाटक टेलीकास्ट होने लग गए हैं हमारे। तो आपने अपनी पत्नी का उदाहरण दिया कि उन्होंने देखा और फिर उन्होंने नाटक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और अब वो ऑडिटोरियम में नाटक देखने जाती हैं। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि जैसे आजकल सिनेमा में, इवन इन ऑडिटोरियम्स, जो थिएटर है वहाँ पर लोगों ने जाना कम कर दिया है, क्योंकि ये जितनी भी वेब सीरीज आई है, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी वजह से सारी चीज़ें इतनी आसान हो गई है, तो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो निकाल सके, और वो इतने लेजी हो गए हैं कि वो मूवी देखने भी थिएटर में नहीं जाते। तो अगर ऐसा थिएटर, मतलब नाटक में होगा कि जो नाटक का लाइव प्रसारण होगा दूसरे चैनलों पर, तो क्या लोग वाकई जा पाएंगे या आज की तरह लेजी हो जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे? क्योंकि थिएटर का जो मतलब है लाइव कनेक्शन विद ऑडियंस, तो वो थोड़ा सा ख़त्म नहीं हो जाएगा क्या सर? मैं आपके इस पर थोड़े से विचार और जानना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा मानना है, बेटा ये देखना, या मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी मेरे ख्याल से? जी जी, जब भी कोई नया माध्यम आता है, चाहे वो मीडिया में हो या किस समाज में किसी और तरह से, तो इमिनेंटली ऐसा लगता है कि उससे उस
पुराने माध्यम को खतरा है, लेकिन आप ये देखिए कि हर नए माध्यम का थोड़े वक्त के बाद उसकी अपनी जरूर एक व्यूअरशिप या उसके अपने चाहने वाले या उसको पसंद करने वाले लोग बन जाएंगे, लेकिन वो किसी दूसरे माध्यम के लिए खतरा बनता हो ऐसा मेरे अनुभव में नहीं है। अखबारों को लेकर देखिए, जब टेलीविज़न आया और तमाम चीज़ें हुई तो लगा कि अखबार ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अखबार की अहमियत आज भी है। 23 तारीख को इसी दिल्ली में हमारे एक नौजवान साथी हैं, उनके नाटक का शो है, तो उसकी टिकट अधिकतम 1000 रुपये है, वो शायद 200 से शुरू होकर 1000 रुपये तक के, और जो जानकारी ये भी शाम दोपहर तक थी उसकी अधिकांश टिकटें बिक चुकी हैं। बम्बई प्रायः जाता हूँ, देखता हूँ 400-500-1000 रुपये की टिकटें होती हैं, और यदि आप समय से बहुत पहले आप नहीं बुक किए हैं तो आप उस नाटक को देखने से वंचित रह जाएंगे। तो जो नाटक देखने वाला जो वर्ग है वो नाटक ही देखेगा, वो किसी और वेब चैनल या बाकी तमाम चीज़ों में जा सकता है, लेकिन वहाँ ठहर कर मूल जो रोमांच है, जो लाइव परफॉर्मेंस का रोमांच है, उस रोमांच से वो वंचित नहीं रहेगा। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हम जो रंगकर्मी हैं वो अपने दर्शकों तक, जिन दर्शकों की हम चिंता कर रहे हैं कि ऑडिटोरियम में आना कम कर देंगे या नहीं आ रहे हैं, उन दर्शकों तक हम खुद कितना पहुंच रहे हैं ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जैसे मैंने कहा कि जो रंगकर्मी हैं उनको खुद को ही सोचना चाहिए कि वो खुद क्या एक अच्छे रंग दर्शक हैं। जब इस सवाल पर बात करेंगे तो ये जो खतरा है नेटफ्लिक्स का या दूसरे और तमाम वेब चैनल का, तमाम का, कम से कम रंगमंच पर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हेलो सर, मेरा नाम प्रियदर्शनी पूजा है, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मेरा क्वेश्चन प्रसन्ना सर से है। सर, आपने अभी कहा कि जैसे कि आज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बहुत यूज़ करते हैं हम थिएटर में, तो मैंने अभी बहुत सारे प्लेज देखे, उसमें क्लासिक प्लेज भी जो हैं उसमें बहुत मेटाफर और बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसमें जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे प्रयोग करना, प्रयोग सीखना, उसको खुद से रिलेट करना, वो हमें पढ़ाया जाता है तो हम रिलेट कर पाते हैं, पर आम जनता, आम ऑडियंस जो एजुकेट नहीं है, जिनको उतना नहीं पता थिएटर के बारे में और इतना मेटाफर और इतनी ज़्यादा, तो उस तक हमें तो अपनी चीज़ों को सोसाइटी तक पहुँचाना है, तो कैसे हम एजुकेट पे पीपल के लिए ही सिर्फ ये आजकल के जो थिएटर, जैसे कि टुडेज टाइम के लिए जो थिएटर है, तो मुझे लगता है कि आप उस पर कुछ बताएं हमें। नहीं, आपने तो पूंछ पकड़ा, मैं वो उदाहरण पूंछ जैसे दिया था। आपको पूरा मेरा वक्तव्य में कह रहा था कि यू हैव टू गो इनटू द सिंप्लिसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंड ऑल द प्लेस आर देयर टू मेक बोथ द ह्यूमन बीइंग्स इन द ऑडिटोरियम एंड ऑन द स्टेज टू फील हम्बल। एंड द अदर थिंग विच आई डिड नॉट से, आई वॉन्ट टू से नाउ, इज द कम्युनिटी विच he said it so beautifully. Actually, theater is a community, theater happened in a community, and the theater happened the best in communities which were culturally bound. The problem today for you and for a whole lot of us is that we are living in communities which are not culturally bound. So we are in some ways trying to create small communities within that. You know, little mohalle mein ek chota natak hai, अच्छी बात है वो, बट इसेंशियली यू हैव टू वर्क इन द कम्युनिटी। सिनेमा एंड टेलीविजन, आई हैव नो प्रॉब्लम विद पीपल हु वर्क इन सिनेमा एंड टेलीविजन, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द मीडियम बिकॉज इट ब्रेक्स दैट कम्युनिटी। इट वॉन्ट्स टू क्रिएट द होल वर्ल्ड एज अ कम्युनिटी। हॉलीवुड को घर घर पहुँचना है, गाँव गाँव पहुँचना है, अफ्रीका में पहुँचना है, इंडिया में पहुँचना है, और हम उस माइंडसेट में आ जाते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो वो गलत है। दैट्स ऑल आई वाज सेइंग। सो यू हैव टू चूज बिटवीन, यू सी, आई ट्रीट एवरी वन ऑफ यू एज इंटेलिजेंट बीइंग्स,
you know, you have a choice. You can do this, you can also do that. I'm saying, do that which focuses on the actor, which focuses on the play, and which focuses on the audience. Baki cheez karna hai, to karo. You see, I'm not against sets, I'm not against lights, I'm not against makeup and all that. But that is not the fundamental thing. In tino mein se koi ek hat jata hai, to natak nahi ho sakta hai. You see, this triangle, if you break it, and if you have only two of them, the play cannot happen. This three is essential, and we have to focus on it. Our training has to focus on it. You have to focus on it in all the 3 years. What Mohanji mentioned is very, very, very crucial. And he said it better than I can ever say it, because he's an actor, who actor and also a person who has worked with children. So that's very important. Learn that and then you learn everything else. You know, I have no problem. But don't not learn this and go for all sorts of things. I was mentioning about a performance which I saw yesterday, which was a very beautiful performance with a lot of energy. I congratulate them. But I was saying it was too much, too many images had been used, which was not necessary. You will have to start eliminating it. Every great artist eliminates the unnecessary movements, unnecessary gestures. Shuru mein hum aise karte hain na, haath chalate rehte hain. You know, like this. And then we eliminate it. Have you ever seen in Ghashiram, can you see him using his hand like this? You see, that is very, very important. That's what I was saying. Thank you, sir. गिरिजा शंकर सर से मेरा एक सवाल है सर अभी कुछ टाइम पहले मैं वैसे मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आती हूँ तो मैं वहाँ की जो एक गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ वर्कशॉप के लिए गई थी थिएटर वर्कशॉप के लिए तो जब मैंने वहाँ के टीचर से बात की कि मैं थिएटर वर्कशॉप यहाँ पे करना चाहती हूँ एक नाटक का वर्कशॉप बच्चों के साथ में करना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए ऐसा है बच्चों के एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं और ये जो एक्टिविटी है वो अभी तो नहीं करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है एनुअल फंक्शन जब करवाएंगे तब हम आपको बता देंगे और आप यहाँ आके वर्कशॉप कर लेना तो सर मेरा सवाल ये है कि किस तरीके से उनको नाटक की इम्पोर्टेंस को समझाया जाए जिन्होंने नाटक देखा नहीं है सुना नहीं है और मुझे लगता है अगर टीचर्स नाटक की इम्पोर्टेंस को जानेंगे तभी वो बच्चों को बता पाएंगे तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और दूसरा ये कि जब बच्चों के साथ में हम वर्कशॉप करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लड़कों के साथ में अलग एक क्लास कर लीजिए और लड़कियों के साथ में अलग क्योंकि हम साथ में तो उन्हें नहीं बिठा सकते हैं तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या इसके लिए कोई एक नाटक से उनके साथ में शुरुआत की जाए या किसी कहानी के मंचन से शुरुआत की जाए तो वो पहला स्टेप सर क्या होना चाहिए इस बारे में आपके विचार जानना चाहूँगी देखिए मैंने इसीलिए बात कही कि अब यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हैं और जो बम्बई और जो वहाँ नहीं जा पाएंगे वो अपने अपने शहरों में आपकी तरह जाकर काम करेंगे और इस तरह की बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें उनके सामने आएगी और इसका हल भी बहुत व्यवहारिक है जैसे मैंने कहा कि यदि मेडिकल कॉलेज में सोशल गैदरिंग की जिम्मेदारी मिली तो अब मेरे ऊपर है कि मैं वहाँ किस तरह की चीज़ें वहाँ कराऊँ एक दूसरी बात यह है कि जब भी आप उस समाज में उस समुदाय में उन लोगों के पास जाएंगे नाटक लेकर बहुत बड़ा वर्ग जिसने आज तक नाटक देखा ही नहीं शहर के थोड़े से हिस्सों में उसके भी बहुत थोड़े से दर्शक हैं जिन्होंने नाटक देखा है जाहिर है कि ऐसे समाज में जब आप नाटक लेकर स्कूलों में कॉलेजों में या बाकी और जगह जाएंगे तो आपको बहुत सारे सवालों से कन्फ्रंट करना होगा उसका जवाब आपको तलाशना है नरसिंहपुर में जो वर्कशॉप हुई उसमें जो लड़कियाँ थीं उनका कहना था कि हमारे जो माता पिता तो कोई बहुत आपत्ति नहीं करते लेकिन जो पड़ोसी जो महिलाएँ हैं वो ताना कसती हैं तो हमने कहा उनको आप कल ले आइए एक दिन वो देख लें कि इस वर्कशॉप में क्या होता है उसके बाद वो ताना देना तो दूर वो खुद रोज आना शुरू कर देंगे अभी तनवीर साहब का जो उदाहरण मैंने दिया था कि जो आपके वर्कशॉप होते हैं जगह जगह वर्कशॉप हो रहे हैं उसको ओपन वर्कशॉप करिए बहुत सारे लोग जो रंगकर्मी नहीं हैं
लेकिन वो आगे देखें वर्कशॉप में क्या होता है, आपके नाटकों के रिहर्सल में क्या होता है, तब फिर वो समझेंगे कि नाटक क्या है, नाटक जानेंगे। हालिया उदाहरण भोपाल का बताता हूँ आपको मैं। एक रंगकर्मी है, वो अपने घर की छत पर रिहर्सल की व्यवस्था कर ली, रिहर्सल होने लगी, लड़कियाँ लड़के सब आ रहे हैं, उनके तमाम पड़ोसी उनके दुश्मन हो गए और उनके साथ भी तो गलत काम होता है यहाँ पर, और नाटक के नाम पर गड़बड़ियाँ हैं, सब कुछ हैं, और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, उस रंगकर्मी की गिरफ्तारी हो गई। अब इससे कैसे निपटा जाए, तो हमने कहा ठीक है, उसी मोहल्ले में जो गार्डन है एक बार आप नाटक करिए और उन्हीं शिकायत करने वालों को दिखाइए कि नाटक क्या होता है। उन्होंने खुद शर्मिंदा हो गया कि नहीं साहब, हमने गलत कहा था। तो आपको जो दर्शकों से और समाज से, जो समाज के अंदर जाने की बात कर रहा हूँ, नाटक में दर्शक या समाज आपको ढूंढते हुए नहीं आएगा, आपको उनके पास जाना है, आपको उनसे इंटरेक्ट करना है और अपनी स्वीकृति उनके बीच बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे उपक्रम करना है जहाँ पर बिल्कुल आप सहज रूप से उन्हीं के बीच होकर, उन्हीं की तरह जाकर आप नाटक करिए, तब लोग आपके साथ आकर्षित होंगे और फिर सहयोग करेंगे। एक अंतिम प्रश्न जी। सवाल ये गिरिजा सर से भी और आप सभी से है, तो जैसे हम स्पेक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एनएसटी में कुछ पिछले काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की और मुझे भी उससे बड़ी परेशानी हुई, ये हुई कि एनएसडी में ज़्यादातर जितने भी प्लेस होते हैं, हम ये देखते हैं कि वो प्लेस के पासेस और टिकट्स जिस दिन प्ले हो रहा है उससे कुछ ही दिन पहले, मतलब अंदर ही आपस में चले जाते हैं और हम एक एक घंटा क्या वो जगह खाली रहे और उस जगह खाली को भरने का कुछ मतलब एक दूसरे तरीके से, कुछ सकारात्मक तरीके से अगर कोशिश की जाए तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा? काफ़ी टाइम ऐसा हो गया और अब मैंने भी आना कम कर दिया है क्योंकि दो या तीन दिन पहले आके वो पास लेना मुश्किल हो जाता है और एक डेढ़ घंटे सिंह, आप तीनों से मेरा प्रश्न है, हम देखते हैं एक डायरेक्टर एक तीर से दो निशाने करने की अक्सर कोशिश करता है, लेकिन वो तीर अक्सर नज़र भी नहीं आता लोगों को। आपने लाखों पचासों लाइट इस्तेमाल करी, म्यूज़िक इस्तेमाल किया, लेकिन ऑडियंस उठ के चली जाती है। और दूसरा प्रश्न एक और है, कई बार नाटकों में नाटक ऐसा होना, जैसे मैं जानता हूँ आप लोगों से सुना मैंने, लोगों तक पहुँचे, लेकिन अगर वो एक एजेंडा लेके चल पड़े और वो एजेंडा स्टेज पे आप बताने के वजह थोपेंगे तो वो कितना घातक है, इस पे आप रखें। धन्यवाद। एग्रीमेंट विथ यू। आपके प्रश्न से ये तीनों वक्ता सहमत हैं। आप सभी का हेलो जी। डायस में बैठे हुए सज्जनों, ये प्रश्न आप सबको है। एक पिकुलियर थिंग आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, दोज हू डू द ड्रामा दे
their verbosity is so much, but the result is very zero. बात करने में इतने माहिर हो जाते हैं और नाटक के बारे में हर आदमी बात कर सकते हैं और हर आदमी सुन के क्वेश्चन भी कर सकते हैं. ये अद्भुत चीज़ है नाटक में और दूसरा कहीं नहीं है. We spent maximum time on the verbosity. एक भरत मुनि के लोग पकड़े गए हमारा ड्रामा खत्म. हम लोग इधर उधर उधर इधर इधर उधर होते हैं. हमारा कंसेंट्रेशन नहीं रहता है नाटक. जिसको ले आने के चाहते हैं आज रिहर्सल हुआ कल चेंज हो जाता है, कल रिहर्सल हुआ वो चेंज हो जाता है. ये नाटक का नहीं, नाटक की डिसिप्लिन है. जो मर्जी सो कर देता है नाटक ऐसा नहीं होगा. नाटक एक पवित्र चीज़ है, एक ध्यान की चीज़ है. इसको तो नौटंकी की टाइप बात करते हैं. आप जो कह रहे हैं उससे किसी को असहमति नहीं है. आप जो कह रहे हैं उस हम सभी उससे सहमत हैं कि हाँ एक पवित्र चीज़ है. इन्होंने बात वही की है अपने पूरे हर वक्तव्य में. मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, हमारे वक्ताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और एक ऐसी जीवंत परिचर्चा हम यहाँ संभव कर सके. धन्यवाद. सत्र के अध्यक्ष अर्जुन देवचारण जी, विशेषज्ञ श्री प्रसन्ना जी, डॉक्टर मोहन आगाशे जी एवं श्री गिरिजा शंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस सत्र में अपने विचार व्यक्त करने के लिए. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्राध्यापक श्री शांतनु बोस जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आए और राष्ट्रीय परिसंवाद का धन्यवाद ज्ञापन करें. नमस्कार, मैं आभार व्यक्त करता हूँ सारे वक्ताओं का, सारे एलआई डिफेंस के टीम का और सर्वोपरि आप जैसे दर्शकों का जो इसमें दो दिन हमारे साथ दिए. जिस बात से ये परिसंवाद की शुरुआत हुई थी कि आज के समय में शायद तर्क ही हमारी ऋषि है, हमारे लिए ऋषि है, हमारे दिग्दर्शक है, उस तर्क को हम जारी रख पाए इस उम्मीद के साथ इस परिसंवाद का अंत हो रहा है. कल और परसों हमारा इंटरनेशनल सेमिनार है जिसका सब्जेक्ट है थिएटर फेस्टिवल्स, साइट फॉर कॉन्टेस्टेशन एंड डिबेट. आप लोग ऐसे ही बहुत बड़ी तादाद में उसमें योगदान कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी. धन्यवाद.